क्या आप लोगों को पता है कि प्लेन में चढ़ने के बाद फ्लाइट मोड या यूं कहें एरोप्लेन मोड ऑन करना क्यों कंपलसरी होता है, और अगर एरोप्लेन मोड ऑन ना किया जाए तो क्या हो सकता है? तो आज मैं आपको यही बताऊंगा एग्जैक्टली एरोप्लेन मोड का यूज़ होता क्या है। तो फ्लाइट मोड को ऑन करने से दो लोगों के ग्रुप को फ़ायदा होता है, एक पायलट्स के ग्रुप को, दूसरा हम यानी पैसेंजर्स। तो कैसे? जब प्लेन टेक ऑफ करता है तब पायलट्स उसको नीचे के कंट्रोल टावर्स सिग्नल एंड कम्युनिकेशन मिलती है, एंड पायलट्स को नीचे का कंट्रोल टावर गाइड करता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में वो कम्युनिकेशन होता है। पायलट्स हेडफोन्स लगा के रहते हैं एंड वो कंट्रोल टावर्स के कमांड को सुन पाते हैं। तो अगर प्लेन में कोई एक व्यक्ति मोबाइल ऑन कर ले तो उसमें जो सिम कार्ड है तो वो नेटवर्क्स को स्कैन करने लगेगा, बहुत जल्दी स्कैन करने लगता है कोई भी सिम कार्ड जब उसको नेटवर्क नहीं मिल रहे होते। फिर ये स्कैनिंग जो है वो पायलट्स एंड नीचे के कंट्रोल टावर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है, जो कमांड मिल रही होती है, उसको डिस्टर्ब करने लगेगा या यूं कहो इंटरफेयर करने लगेगा, उसको तोड़ने लगेगा। और पायलट्स को नीचे के कंट्रोल टावर्स में जो इंसान की आवाज़ के बदले हेडफोन्स में कुछ ऐसा सुनाई देने लगेगा। और अगर मान लो प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर ने ऑन कर दिया अपना मोबाइल फोन्स या फ्लाइट मोड ऑन नहीं किया, तो जब पायलट्स के हेडफोन में इतनी खतरनाक आवाज़ आएगी हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी भी होने लगे। खैर, उसको नीचे से कुछ कमांड नहीं मिल पाएगी और उसको पता नहीं चल पाएगा आगे वेदर कैसा है, कोई फ्लाइट तो पास नहीं हो रही है, कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नीचे मौजूद ग्राउंड कंट्रोल टावर्स बहुत ही मेन रोल प्ले करता है फ्लाइट की सेफ्टी को लेके। तो फोन्स ऑन रहेंगे फ्लाइट में तो वो ऑब्वियसली अपने अपने नेटवर्क्स स्कैन करने में लग जाएंगे, हर सिम कार्ड अपना नेटवर्क स्कैन करने में लग जाएगा, उसको कैच करने में लग जाएगा। तो यही वजह है फोन्स में फ्लाइट मोड का ऑप्शन होना, और उसको किस लिए यूज़ करना है वो बात अलग है कि मैं खुद जब यूज़ करता हूँ तब हमारा नेट नहीं चल रहा होता कि फ्लाइट मोड ऑन कर लो और ऑफ कर लो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।